और बस एक ओवर में 18 रन खाए हैं, एक ओवर में ये कंजर 18 रन खा के गया है, ये 150 वाले टेपिए। भाईजान शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पहली तो बात ये है कि ये बॉलिंग लाइन अप मेरे से मुंह पे मैं हाथ मार के लिखवा ले, मेरे से ये बॉलिंग लाइन अप इंडिया के खिलाफ ना जलील हुई, ना जलील हुई, जो दिल है कर लेना। आपने इतनी ओवर हाइप कर दी हुई है, इतनी ओवर हाइप कर दी हुई है कि पता नहीं ये बॉलिंग लाइन अप ना होगी, ये पता नहीं कौन सी, ये कोई बॉलिंग मशीन है कि जब बटन दबाया 150 की बॉल काट दो, जब बटन दबाया 700 की स्पीड है इनको। ये है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, इसकी बात करते हैं कि यार वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास, पूरा दिन रात जो रटा लगाए हुए जो आप थकते नहीं है कि हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, और ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, मार मार के जो है वो टट्टी निकाल दिया तुम्हारी, ना बॉल करने का पता, ना फील्डिंग करने का पता, ना इनको कप्तानी करने का पता, आते हैं मजदूरी की तरह, जैसे कोई को मजदूर लगा हुआ है, पूरा दिन दौड़ते हैं भाई, वो दूर से आके बाल ठक वो चौका जा रहा है, ठक बाल वो छक्का जा रहा है, यानी जैसे कोई मजदूर लगे हुए दिहाड़ी पे आके जो है वो। पहले एक बार एक जरा मुझे बात बताना कि विराट कोहली क्या करेगा इस बॉलिंग लाइनअप के आगे। आप शर्म करो, आपने अफगानिस्तान से 59 एक दिन 59 खाया और दूसरे दिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने क्या हरकत की है। बाबर आजम नशेड़ी कप्तान है, नशेड़ी, नशे में वो कप्तानी कर रहा है। मैंने देखा है पहले 15-20 ओवर में इनको पता ही नहीं था कि हमने बॉलिंग कहाँ करनी है, क्योंकि पीछे आउट ऑफ सिलेबस आई हुई थी। जो अच्छी बॉलिंग लाइनअप होती है ना वो सर फिर अच्छी होती, कोई अच्छी तगड़ी टीम हो। दो चीजें हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपके मतलब की ट्रैक नहीं होगी तो चाहे शाहीन हो, नसीम हो, या हरिस हो, या जो मर्जी हो। तो भाईजान ये मैं बार बार समझा रहा था अपने इंडियन दोस्तों को, ये कहते थे आप हमें ऊंचा करते हो, आप डाउन प्ले करते हो अपनी बॉलिंग को, डाउन प्ले नहीं करते, जो रियलिटी होती है उस पर बात करते हैं, हवा में नहीं लेके जाते। ये मतलब आज क्या हुआ, बॉलिंग सही नहीं करवाई, तुमसे नहीं लिया गया यार। कोई बच्चा भी जो निशाने पे आके बॉल मार रहा हो ना, आके जो है वो 100 बॉल मारेगा तो 100 बॉलों पे एक आध विकेट उसको मिल ही जाएगा, तो तुम जो है वो पूरे जो है 30 ओवर जो है वो बॉल कर रहे हो, वर्ल्ड क्लास खुद को मानते हो, तो तुम जो है वो एक विकेट नहीं ले सके। ये आखिर में खुश हो रहे हैं जी, एक एक दो दो विकेटें ले ली जब उन्होंने 2200-2250 स्कोर बना लिया था, उसके बाद वो फियरलेस खेल रहे थे कि भाई हम किसी तरह से 300 तक पहुंच जाएं। वो उनका तो भाई ये मामला था कि हम अदर देन यू विल पिक दिस दैट एंड दैट। मैंने तो देखे, मैं तो बिल्कुल कहा 150 करना चाहिए, उन्होंने कहा ठहर पुत्र हम 300 करेंगे। देखो वो अकेला गुरबाज ही 150 कर गया, उसने कहा पिच सीधी है, अकेले 150 कर गया, पिच लूली है, पिच लंगड़ी है, यू कांट टेक अवे क्रेडिट फ्रॉम गुरबाज एंड इब्राहिम, बोथ प्लेड सुपरबली वेल। जिस तरह इसने पुल पे छक्का मारा, शुरू में ही छक्का मारा इसने, और एक ओवर में 14 रन ली। हेलो दोस्तों, देखिए आज अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया, और पाकिस्तान हारने के बाद इतनी बुरी तरीके से बौखला गया है कि यार वो बोल रहा है कि अफगानिस्तान की टीम जो है मजबूत टीम बन गई है उनके लिए। उनका कहना है कि यार वो जो अफगानिस्तान ने उन्हें हरा दिया है, एक समय कहा 59 रन को ऑल आउट कर दिया था पिछले मैच में, लेकिन यार क्या शानदार बल्लेबाजी करते हुए यार, शानदार परफॉर्मेंस, शाहीन जैसा अफरीदी हो गया और हरीश रावत हो गया, और सादब जैसे बॉलर के आगे भी यार शानदार बल्लेबाजी का मुजहरा फेस किया है, और ऐसे में 300 रन बना ले। एक समय पर इतनी ख़राब स्थिति हो गई थी यार, 59 रन पर भी ऑल आउट हो चुके हैं पिछले मैच में, लेकिन यार गुरबत ने क्या शानदार ठोका है, इनको एक छक्का रन मार के चला गया, और ये साइन साफ दी को कार्ड दिखा दिए किसी के बाद क्या हरीश रावत हुई। पिछले मैच में विकेट लेके कुछ ज़्यादा उछल लेते, लेकिन इस बार उनकी हैट्रिक बाहर निकाल दी। तो दोस्तों आगे देखते पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, और हम देखेंगे और इन्जॉयमेंट करेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कुछ बोला है, क्या नहीं कहा, सब देखेंगे आगे देखते वीडियो में, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं तमाम आपको जो है बर वक्त मिल सके। आप कहते रहते हैं लाइव नहीं आते, आज लाइव आया हुआ हूं, तो आज फिर जो है वो आपने रिस्पांस अच्छा देना है, सब्सक्राइब भी करना है, तो अब देखना कि क्या होता है। लेकिन यार ये क्या थर्ड क्लास किस्म की जो है वो कप्तानी, थर्ड क्लास किस्म की बॉलिंग, एक मैच में इन्होंने जो है वो 59 पे ऑल आउट कर दिया, तो ये जो है बड़े जो है वो फनेहान बन गए थे, तारीफें ही तारीफें। मुझे यकीन माने पिछले मैच के बाद इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आ रहे थे ना, जब पाकिस्तान ने 200 बनाया, मैंने जाहिर अपना एनालिसिस किया, उसके बाद जब हरिश रावत ने 5 विकेट ले तो मैसेज में जो 10 मिनट लेट हो गया वीडियो बनाने में, मैसेज पे मैसेज, हो जी पाकिस्तान की बॉलिंग ने जो है वो तुम्हारे मुंह पे जूता मार दिया, पता नहीं क्या क्या, यानी कि ऐसी बातें, मैंने आके वीडियो बना दी फिर। तो अब आज देखें, आज वही आके बताएं मुझे
कि ये देख लें 300 स्कोर खा लिया और एक विकेट यार 30 ओवर अगर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है 30 ओवर वो फेंकती है, 30 ओवर में एक विकेट नहीं ले पाती है तो काहे की वर्ल्ड क्लास है वो, फिर वो कहां की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। दूसरे अगर कर लें तो उनको ट्रोल कर करके मर जाते हैं। अपनी हालत देख लें आप, एशिया का बिल्कुल सर पे खड़ा है यार, 10 दिन नहीं रह रहे इंडिया पाकिस्तान के मैच को, और वो मैच भी श्रीलंका में ही खेले जाएंगे, इन्हीं कंडीशंस पे खेले जाएंगे, और वहां पर आप क्या करें। आपसे अगर गुरबाज आउट नहीं हो रहा है, आपसे इब्राहिम आउट नहीं हो रहा है, तो आपसे कोहली आउट होगा, जो बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल पिच पे जो है वो किसी से आउट नहीं होता है, जो बैटर्स के लिए मुश्किल होती है, तो वो आपसे जो है वो ऐसी पिच पे आउट होगा कोहली, आपसे रोहित शर्मा आउट होगा, शुभमन गिल आउट होगा, आपसे जो है वो श्रीलंका के बैट्समैन आउट होंगे आपसे, जो आपसे गुरबाज आउट नहीं हो रहा है, अपने करियर बेस्ट इनिंग्स खेल दिया, उसका 145 बेस्ट था इससे पहले, अब जो उसने 151 बना लिया, और जो है वो पांचवीं उसने सेंचुरी बना लिया भाई, पांचवीं सेंचुरी है उसकी, 23 ओडीआई मैचेस में पांचवीं सेंचुरी है, ये बंदा भी जो है वो जबरदस्त कर रहा है, ओडीआई में जबरदस्त कर रहा है, और ये अफगानिस्तान के लिए बड़ा अरसा खेलने वाला है, और बहुत जबरदस्त। इब्राहिम साथ में जो अनलकी रहे कि उनको जो है वो नहीं जो है सेंचुरी कर सके, लेकिन जो पार्टनरशिप 227 की हुई ना, ये एक अनबिलीवेबल पार्टनरशिप थी। और राशिद मुजीब नबी 10-10 ओवर है इनके, 30 ओवर इनके निकाल लो और उसके बाद फिर बात करना के, उसके बाद आपको आपको देखना कि आपके साथ ये क्या करते। अगर अगर एक और बात है, अगर उनका जो फजल हक फुरुकी है उसके शुरू में आके स्विंग मिलना शुरू हो गई, फिर क्या, फिर खत्म हो गए आप लोग, फिर आपका केला ठोक जाएगा, फिर आपका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास तो वो कहते हैं ना कि बैकअप प्लान ही नहीं है, मिडल ऑर्डर आपका वैसे ही छली है, वो तो छली हो जाएगा, उधर रिजवान है, इफ्तिहार है, वो चल जाएंगे तो चल जाएंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे। आपकी बैटिंग लाइन आपको भी वो एक्सपोज किया उन्होंने पिछले मैच में, इस मैच में भी वो आपकी बैटिंग लाइन आपको एक्सपोज करेंगे। और एक और बात है, दूसरी बात जो करने लगा हूं, पाकिस्तान ये मैच हार रहा है, जो जो ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो ना कि हम लोग चेज कर लेंगे, ये जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो जो ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए ना कि जी पाकिस्तान चेज कर लेगा, पाकिस्तान ये पाकिस्तान से नहीं चेज होना, अफगानिस्तान की मैं कहता हूँ हिस्ट्री का रिकॉर्ड उठा के देख लो, पाकिस्तान 230 मसा मार के चेज करता है, पाकिस्तान पिछले साल 130 चेज करना था एशिया कप में 20 ओवरों में, इनकी 115 में 9 आउट हो गए थे, वो तो नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए, वो गार्ड की फिर चीज आ गई कि जी बस तुक्के से लाग गए लाग गए। अफगानिस्तान की जो बॉलिंग लाइन अप है वो खतरनाक बॉलिंग लाइन अप है, उसके खिलाफ 300 करने का सोचना भी मत, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो चाहे आप चेज में कर रहे हो, क्योंकि राशिद मुजीब नबी 30 ओवर तो इनके कर लो, 10 ओवर आप फजल हक फरूकी के कर लो, और फजल हक फरूकी को मैं अच्छा बॉलर मानता हूँ, वो स्विंग भी करता है और अच्छा खासा वो बाल को दोनों साइड से वो हलाता है, और उसने आईपीएल में जाके भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस की हुई है। आप अंदर ही अंदर इंडिया को चैलेंज कर रहे थे ना कि जी देख लेंगे विराट कोहली को, आरिस राव साहब स्टेटमेंटे दे रहे हैं जी, आरिस राव विराट कोहली को इस बार मैं बोल्ड करूंगा, विराट कोहली इस बार मेरी विकेट है, विराट कोहली को ये करूंगा, विराट कोहली जैसे कि आपने वीडियो में देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन किस प्रकार था, मुझे कहना था कि अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम ने हमें हरा दिया, हम वर्ल्ड कप में कैसे खेलेंगे, एशिया कप आने वाला है, ऐसे में यार उनके लिए घंटी की खतरे की घंटी ये बज गई है कि उनका मैच अफगानिस्तान से भी होगा, इंडिया से भी होगा, श्रीलंका भी कमी हो गया, ऐसे में ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप एशिया कप से बाहर ना हो जाए कहीं, क्योंकि अफगानिस्तान की कमजोर टीम नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।